आप देखो हम दोनों एक साथ रहते हैं बिल्कुल, और पति पत्नी की तरह ही रहते हैं बिल्कुल। हाँ। आप मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए पागल हो। अरे यार कैसी बात कर रही हो यार, 4 महीने हो गए मेरे को प्रेग्नेंट, आप मेरा फोन भी नहीं उठा। कौन है ये? काम वाली है, काम वाली बन के रहे, बता रहा हूँ तेरे को, काम वाली बन के रहे। ये काम वाली है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे जानते हो कि भूल गए? यार अरे कौन है ये, कौन आ गई अब बताओ? ये काम वाली है, ये इससे शादी करने वाले, तो मैं कौन हूँ? एंगेजमेंट मेरे साथ, बच्चा इसके साथ, पैसे ले रहे हो, सो इनके संग रह, कैसा प्यार है। उसकी मंगेतर हूँ, ठीक है, तुम कम से कम अपनी उम्र तो देख लेती। मुझे नहीं पता था कि उसका मंगेतर है, उसका सगाई हुई है, नहीं पता, वो मुझसे प्यार करता है, मेरे पास अच्छी जॉब है। प्यार आपसे करेगा वो? देखो मेरी बात सुनो, वो मुझसे प्यार करता है, मेरे घर पे आता जाता है, रहता भी है, और मैं एक अच्छी खासी जॉब करती हूँ, मेरे तनख्वाह ही 1.5 लाख रुपए है। वो कहता है मैं ज़िंदगी में दूसरा शादी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आप ही की शादी रहूँगा। मुझे तो नहीं पता कि उसका सगाई हुई हुई है, आप उसका मंगेतर हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आप ही बता रहे हो, आज ही मैं मिल रही हूँ आपसे। अरे आपको एक बार सोचना तो चाहिए कि वो लड़का आपसे प्यार कैसे कर सकता है, हैं? और इनको देखो, तुमको शर्म नहीं आई? तुम उसी घर में काम करती हो, उसी थाली में खा रही हो, उसी में छेद कर रही हो। मैम मेरी कोई गलती नहीं है मैम, मैं एक सेकंड, पहले क्या मैटर है आप अच्छे से बताइए, ठीक है? आप ऐसे दोनों से बहस कर रही हैं, क्या मैटर हो गया? भैया देखिए मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है तो वो बंदा इनसे प्यार करता है, ये कह रही है इनसे प्यार करता है, इनसे शादी करेगा, ये उनके घर में काम करती हैं, हैं? और ये प्रेग्नेंट है। अब बताइए, हाँ ये प्रेग्नेंट है। अच्छा बताइए भैया, मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि ये लोग जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? एक सेकंड, यहाँ इन लोगों की गलती नहीं है कुछ भी, ठीक है? पहले आप अगर इन लोगों से लड़ाई कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं, कैमरा ऑन है। सो हेलो व्हाट्सएप गाइज, कैसे आप सब, मैं हूं ताज कुमार से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रिधि जी का कहना है कि इनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई और इनका मंगेतर, मतलब इनके, आप उनकी कौन है? मैं, मेरे को वो प्यार करता है। अच्छा। और मेरे घर में काफी आता जाता है, ठीक है, और बड़े बहुत दिनों से है। तो आप लोग साथ रहते हो? हाँ, ज्यादातर साथ ही रहते हैं, मतलब आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है बिल्कुल, मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जैसे लिविंग रिलेशन में रहते हैं। अच्छा। और वो बोलता है कि मैं शादी वादी करूंगा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसका एंगेजमेंट हो रखा है कि नहीं हो रखा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं भैया उनके घर पे काम करती हूँ। आप उनके घर पे काम करते हो? हाँ, सर के घर पे काम करती। और ये सब मतलब आप लोग के बीच ये रिश्ता, ये उन्होंने जबरदस्ती, भैया मैं मना कर रही थी लेकिन उन्होंने जबरदस्ती, मैंने बताने की कोशिश करी, मैंने फिर कहला कि तेरी कोई बात नहीं मानेगा, तू दो कौड़ी की है ये वो, तो आपको ये सारी बात इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? मैंने कल ही मैसेज करा था सर को कि सर मैं अब आपके पास काम पे नहीं आ सकती हूँ, मैसेज कर दिया। जब इनका मैसेज किया ना इन्होंने, तब वो मेरे घर पे था, वो वॉशरूम गया हुआ था, तो इनका मैसेज आया, आए जा रहे थे तो मैंने कहा हो सकता कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो जब मैंने उठाया तो इनके मैसेज आ रखे हैं इनके, तब मुझे ये कांड पता चल रहा है। अच्छा। मुझे सीधी बात समझ में आ रही, इनके साथ वो पैसों के लिए, और ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती लड़की चाहे ना तो कोई ऐसे छू भी नहीं सकता। कोई नहीं, ये चीज प्रूव हो जाएगा, ये चीज प्रूव हो जाएगा, ठीक है? एक काम कर लेते हैं आंटी, आप उन्हें बुला सकते हो यहाँ पे? हाँ बुला सकते हैं, बुला सकते हो मिलने के लिए ना, ठीक है? हम कैमरे के पीछे रहते हैं, आप उन्हें बुला लो, पहले आप बुलाओ, फिर देखते हैं उन्हें, फिर आप भी उनसे मिलना, बात करना, ठीक है? और देखना आप कैमरे के पीछे रह गए सब कुछ कि गलती किसकी है, ठीक है? कैमरा ऑन रखना, हम कैमरे के पीछे, आप बुला लो कॉल करके, ठीक है? हाँ जान। हाँ जी। अरे हग तो कर लो यार, बैठो। यहाँ कहाँ बुला लिया मेरे को? पार्क में। तो क्या हुआ, मैं पार्क में नहीं बुला सकती? पार्क में यार, ऐसी जगह कहीं बुलाती, कहीं फ्लैट व्लैट पे, यहाँ बुला लिया मेरे को। तो चलेंगे घर भी, चलेंगे घर तो आते ही हो, क्या दिक्कत है? वही तो मैं हैरान हो गया, तो हमेशा घर में मिलने वाले, बाहर भी मिलना चाहिए ना, थोड़ा खुली हवा में अच्छा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। अच्छी हवा तो चल रही है ना, चले फिर कहाँ, कहीं चलते हैं रोमांटिक जगह, यहाँ कहाँ बुला लिया यार मेरे को। हाँ चलेंगे, रुको थोड़ी देर बैठते हैं, जब यहाँ पे आए हैं थोड़ी देर यहाँ भी बैठते हैं, थोड़ा यहाँ का मजा लुप्त लेते हैं, फिर चलते हैं। ओके ओके ओके, बैठते हैं, चलो फिर। आज आप बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, बस तुम चल रही हो मेरी जिंदगी में, और क्या चल रहा है? सच में मैं ही चल रही हूँ। क्यों, तुम्हें इस बात पर भी कुछ शक है क्या? नहीं मैं पूछ रही हूँ। सारा दिन तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे पास नहीं होता हूँ, और तुम्हारे पास, तुम्हारे फ्लैट पे पड़ा रहता हूँ, और क्या चलेगा? नहीं फिर मैं पूछ रही हूँ, मैं कोई बात कर रही हूँ आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे सवाल जवाब करती तो नहीं हो उससे।
नहीं तो पूछ लिया तो क्या हो गया? नहीं नहीं हाँ चलो कोई नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बाकी क्या अब देखो हम दोनों एक साथ रहते हैं बिल्कुल और पति पत्नी की तरह ही रहते हैं बिल्कुल, हाँ हमारा बीच में कोई चीज छुपा हुआ नहीं है, नहीं है सब बता रखा है मैंने। हाँ आप मेरे जिंदगी का सब कुछ जानते हो, मैं कहाँ काम करती हूँ, क्या मेरा तनख्वाह है, कहाँ क्या बात कर रही हूँ तुम आज ये नहीं क्या हो रहा है? अगर मैं टेंशन में हो गया? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर आज कैसी कैसी बातें कर रही हो यार, कितना प्यार करता हूँ तुमसे यार। तो प्यार मैं भी तो करती हूँ। तो फिर आज रोमांटिक बातों की जगह है ना, अजीब अजीब सी सवाल जवाब? नहीं नहीं अजीब अजीब सवाल जवाब नहीं कर रही, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई और तो कोई है नहीं आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, तुमसे प्यार करता हूँ सिर्फ तुमसे, ठीक है? और ये तुम भी जानती हो अच्छी तरीके से, कभी देखा है तुमने मेरे को कुछ फोन पे बात करते हुए या कुछ मैसेज करते हुए कुछ देखा है कभी? देखो ऐसा है कि सारी बात कभी सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को जरूरत है कुछ पैसों की, ठीक है? मैं तुम्हें फोन करने वाला था, इतने तुम्हारा फोन आ गया, मेरे को पैसों की जरूरत है थोड़े। कितने चाहिए? 20,000 रुपये। अच्छा कब चाहिए? शाम तक दे दो यार। शाम तक क्या करना है, मैं आपको अभी दे देती हूँ। हेलो इससे अच्छी क्या बात है, मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ। इसलिए तो मरता हूँ तुम पे, मैं इसलिए तो पागल हूँ तुम्हारे प्यार में यार। हाँ तो यही बात तो मैं सुनना चाह रही थी, आप मेरे लिए नहीं मेरे पैसों के लिए पागल हो। अरे यार कैसी बात कर रही हो यार, ये सब क्या है, ये आज तुम अजीब सी बातें कर रही हो मेरे से। अभी तो बोल रहे हो कि मैं इसीलिए प्यार करता हूँ। मैंने कहा यार यही तो बात है तुम्हारे अंदर के किसी भी चीज़ की। 20,000 का क्या औकात है, आपके लिए तो सब कुछ है। तो फिर जब मैं खुद हूँ हाँ? तो फिर पैसा की क्या बात है? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारा है वो मेरा ही है ना। बिल्कुल, तो मैं यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो चलते हैं फिर कहीं, ठीक है? अच्छा मेरी एक बात सुनो, आप बिल्कुल पक्का कह सकते हो कि मेरे सेवा आपकी जिंदगी में कोई और है नहीं? लिख के दूँ स्टैम्प पेपर पे? तुम्हें पता नहीं है मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है यार, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है इस बात का, तुम जानती हो। अगर मुझे कुछ और पता है तो? क्या पता है तुम्हें? मान लो कुछ और पता है तो? यार ऐसा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, रातों दिन तुमसे फोन पे बात करता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, मेरी जिंदगी में कौन आएगा? अशोक मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया है, आज मैंने आपसे कुछ बात करनी है, जो बात मैं घर में बैठ के नहीं कर सकती। क्या चल रहा है ये सर? कौन है? क्या कर रही है? 4 महीने हो गए मेरे को बैठने, आप मेरा फोन भी नहीं उठा। कौन है ये अशोक, कौन है ये? पागल है क्या? पागल है क्या ये? क्या क्या कर रही है तू, निकल यहाँ से, चल जा। कहाँ जाऊँ मैं? जरूर क्या पता कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊँगी सर मैं, आप ये बताओ। ये क्या है अशोक, मैंने तो आप देख के बात करो, ये क्या है, कौन है ये? अभी तो आप बोल रहे थे कोई नहीं है आपके जिंदगी में। तो मेरी जिंदगी यार काम वाली है मेरे घर की है। तो काम वाली है तो काम वाली बोल क्या रही है, कुछ भी बोल रही हो? क्या बोल रहे हो? प्रेग्नेंट हूं 4 महीने हो गए मेरे इनसे, और ये फोन भी नहीं उठा रही। इनसे प्रेग्नेंट हो? सुनाई नहीं तेरे को, ये बकवास मत कर, यहाँ आके निकल, चले यहाँ से निकल। सर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे क्या पता कहाँ जाएगी, कौन है तुम? यार झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या मालूम कि झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, कोई भी लड़की कोई भी औरत इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। अरे बोल सकती है, आजकल सब चल रहा है यार ये सब, पता नहीं। हेलो क्या चाहती हो? मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। ब्लैकमेल करना चाह रही है मेरे को, ये सब झूठ बोल के? झूठ नहीं बोल रही सर, मैंने इसका रिपोर्ट देख चुकी हूँ, ये दिखा चुकी है मुझे अपनी रिपोर्ट। तेरे ड्रामे है ना, यहाँ से निकल चल, ठीक है बहुत हो गया, सब बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन सी रिपोर्ट कहाँ से लेके आ गई, क्यों नहीं समझती? कहाँ से क्या लेकर आई, लेडी डॉक्टर की है और गायनेकोलॉजिस्ट का है और इसका, और अभी अशोक मेरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम पढ़ी लिखी होते हुए भी है ना इन ऐसी ऐसी बातों पे आ रही हो, कौन सी रिपोर्ट नहीं बन जाती डुप्लीकेट, क्या नहीं हो जाता? कैसे डुप्लीकेट बन जाएगी? तू क्या चाहती है यहाँ पर, क्या करना चाह रही है तू, ये क्या कौन सी रिपोर्ट दिखा रही है इनको, इसको क्यों इसका ऐसा क्यों डरा रहे हो? सच है वही तो दिखा रही है, क्या सच है, निकल जाए यहाँ से चल, समझी? बकवास कर रही है यार, इसने मुझे सब बता दिया तभी मैंने तुमको यहाँ बुलाया। अरे कुछ नहीं, सब बकवास कर रही है, ड्रामे कर रही है यार, झूठ बोल रही है। तुम सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो कि सब मेरे पैसों के पैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, इससे करूंगा प्यार यार। अच्छा प्यार नहीं करते तो इसका ऐसा कैसे कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी का है ना, किसी का है ना, मेरे माथे चेपना चाह रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कर सकती हो? अरे कुछ भी होता है आजकल, लोग कुछ भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं हो सकता ऐसा। अरे प्लीज टेस्ट सब बता देगा अशोक, सारा कुछ बता देगा, वो बच्चा किसका है, ठीक है? जब आप ये जानते हो ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा पोस्ट क्या है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं, मैं दूध का दूध पानी के पानी करवा दूंगी, इसका टेस्ट करवाऊंगी।
तूने ये ड्रामा यहाँ पे सही नहीं करवाया, सही नहीं करवाया तूने ड्रामा यहाँ पर आके, बता रहा हूँ तेरे को मैं। छोड़ो उसको, ये तूने यहाँ पे ड्रामा सही नहीं करवाया मेरे साथ। क्या सपने जग रही है? काम वाली है, काम वाली बन के रहे, बता रहा हूँ तेरे को, काम वाली बन के रहे। ये काम वाली है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे जानते हो कि भूल गए? ये अरे कौन है, ये कौन आ गई अब? बताओ ये काम वाली है, ये इससे शादी करने वाले, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ तू यार? कौन हूँ मैं, कौन है बताओ? तू क्या कर रही है यार यहाँ पर? क्यों, कौन, क्या नहीं होना चाहिए था यहाँ पे? ये सब हो क्या रहा है यार? होना चाहिए ना, होना क्या हो रहा है ये खुद बताओ ना, मुझे होना चाहिए था, हम क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं है, सब दोनों के दोनों ड्रामा कर रही है मेरे साथ यार। अभी ये अभी वो ड्रामा कर रही थी, अब मैं ड्रामा कर रही हूँ। हाँ, अब ये दोनों ड्रामा कर रही हैं। तो यार हम शादी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं गलत नहीं कर रहा। जैसे आदमी से मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और अब तो क्या मेरे से क्या बोल रहा था इतना देर तक? यार प्लीज चुप रहो यार, ठीक है? ऐसे क्यों, क्यों चुप यार, प्लीज ऐसे कुछ भी नहीं। मैं क्या सुनूं तुम्हें, शर्म है जरा सी भी? क्या किया मैंने यार इनसे, इनके साथ तुम इनके पैसों के लिए, और ये 4 महीने प्रेग्नेंट है, इसका क्या, इससे भी तुमने कोई वादे कर रखे हैं क्या? कुछ भी नहीं, सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं यार, ऐसा कुछ। ऐसा कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? तुम दूध पीते बच्चे हो, झूठ बोल रही है, सच कह रहा हूँ यार। क्या ये दोनों झूठ बोल रही है? सिर्फ खाली तुम सच बोल रहे हो? मेरे से क्या बोल रहा था अब तक? किस मुँह से बोल रहे हो प्यार करता हूँ? ये झूठ बोल रही है। प्यार करने वाला इंसान इस तरीके से नहीं करता है। ये किससे प्यार करते हैं, किससे? अभी इतना देर तक इतना बोलता रहा कि मैं तुम से और कोई नहीं जिंदगी में, फिर वो आ गई, अब ये आ गई, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, क्या है तमाशा, क्या है ये यार? प्लीज यार बहुत हो गया तुम लोगों का, क्या बहुत हो गया यार? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सच में यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं अच्छा कुछ नहीं करूँगा। बहुत तो तुम्हारा हो गया, शोभा नहीं देता, एंगेजमेंट मेरे साथ, बच्चा इसके साथ, पैसे ले रहे हो, सो इनके संग, कैसा प्यार ये? तुम्हारा बस चले तो तुम तो लाइन खड़ी कर लो। हमारा नहीं बहुत हो गया, बहुत अब तुम्हारा हो गया यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ऐसा नहीं है तो कैसा है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक अच्छा इतने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुमने क्या समझ रखा है अपना आपको? हाँ, आज के बाद खबरदार जो मेरे पीछे आया या तो फिर मेरे तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? पैसों के लिए सब कर रहा था अब तक, है? अब समझ में आ रहा है मेरे को, है? पैसों के लिए कर रहा था? अरे पैसे चाहिए होते तो ऐसे ही बोल देते। मैं आखिरी बार दफा बोल के जा रही हूँ, खबरदार जब मेरे तरफ देखा भी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार समझने की कोशिश करो यार। समझूं मैं? जाओ, तुम शादी करने वाले थे ना, मनाओ जाके उनसे। एक मिनट सुनोगी मेरी बात? क्या सुनूं मैं यार, आंटी को है ना बेवकूफ बना रहा था पैसे के चक्कर में यार, उनको यार बनना यार, आंटी शादी करूंगा मैं। और किन किन को बेवकूफ बना रहे हो? और किसी को बेवकूफ ना, तुमने तो कभी नहीं बनाया बेवकूफ यार। कैसे यकीन कर लूं, इतना सब कुछ देखने के बाद कैसे यकीन कर लूं यार? कुछ मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी करने के बारे में सोचा, मती मारी गई थी ना मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस सच कह रहा हूँ यार, बस यार कर लेते हैं लड़का थोड़ा बहुत यार, मैंने कर लिया, चल सॉरी यार, गलती होगी यार, थोड़ा बहुत सर, उनके साथ रिलेशनशिप में था। तू चुप बैठी रहे, तेरे साथ मैंने कुछ भी कर दिया यार। चलो मैं बता रहा हूँ सच्चाई, इसकी भी सच्चाई बता रहा हूँ, सिर्फ दारू के नशे में हुआ था, जो भी दारू के नशे में था सर, जो कुछ भी तुमने किया। देख ड्रामे मत कर, झूठ बोले यहाँ पर, झूठ मत बोलो सर, तुम झूठ तो वो बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, वो बोल रही थी, नहीं बोल रही यार, तुमने कहा ब्लेम कर रहा यार, सच्चे हो बस। अभी कुछ तो मैं कोई दूसरी मिल जाएगी तो तुम फिर मैं अरे इसने मुझे फंसा लिया था, फिर इसकी गलती मेरी भी गलती हो जाएगी। चल यार गलती हो गई यार, सॉरी यार, प्लीज यार, हाथ मत लगाओ, माफ कर दे यार, हाथ मत लगाओ। तुम्हें शादी करनी है ना? तुमसे करनी है यार, नहीं शादी तुम इससे करोगे, इसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, इससे मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं नहीं करूंगा इससे शादी, बिल्कुल नहीं करूंगा यार, प्लीज। तुम गिरे हुए कैसे कि पहले एक लड़की का इस्तेमाल करो और फिर तुम एकदम एक्सेप्ट मना कर रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार, मैंने नहीं किया, जो भी यार वो नशे में हो गया था, जो भी होना था यार नशे में हुआ ना, तो गलती करी ना तुमने, तो गलती सुधारो, ठीक है? गलती सुधारो, प्यार करते हो ना मुझसे, तो मैं कह रही हूँ शादी करो, प्यार में प्यार तुमसे करता हूं, तुमसे शादी करूंगा यार, मैं उससे क्यों करूंगा यार शादी? प्यार का नाम ही कुर्बान होना है, हो जाओ कुर्बान, मैं कह रही हूँ ना, मेरे कहने पे हो जाओ कुर्बान। सूली चढ़ा रही हो मेरी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा यार, प्लीज यार ऐसा मत करो यार, मैं नहीं यार, प्लीज मेरा हाथ मत पकड़ो, ठीक है? शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो मैं थाने लेके जाऊंगी, बस क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ सही, तुम्हारी गलती सुधार रही हूँ मैं, ठीक है यार? गलती हो गई एक बार यार, हो जाए यार, गलती नहीं है ये, पाप है, समझ में आया, पाप है ये। अरे यार प्लीज यार समझा करो यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार, क्या समझू, ये प्यार है, प्यार
करते होते ना तो तुम किसी की तरह पांख उठा के भी नहीं देखते। इसे प्यार नहीं कहते, इसे हबस कहते हैं, हबस। यार चलो गलती हो गई यार, सॉरी यार, माफी मांग रहा हूं। इस गलती की माफी नहीं है, माफी तो है सिर्फ एक ही, तुम इससे शादी कर लो। मैं इससे शादी नहीं कर सकता कभी, मैं नहीं करूंगा शादी। तो ठीक है, फिर थाने में खड़े करती हूँ तुमको मैं। यार प्लीज मत करो यार ऐसा, यार क्या कर रही हो यार, ये सब मत करो। अब हाथ मत लगाओ मुझे, ठीक है? चल तुम थाने चलो। क्यों नहीं समझ रही हो यार? चलो।